प्रदेश की हॉट सीटों पर कैसा रहा मतदान, दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में सभी 230 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हालांकि कुछ सीटों पर बसपा, सपा और निर्दलीय भी मुकाबले में हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार प्रदेश में 75.63% मतदान हुआ था। प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। इसके साथ ही प्रदेश में 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब कौन प्रत्याशी जीतेंगे और किसकी सरकार बनेगी, यह 3 दिसंबर को पता चलेगा। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गज नेताओं की हॉट सीट को लेकर चर्चा तेज है। सीहोर जिले की बुधनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल हैं। वहीं सपा ने मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। इस सीट पर सबकी नजर है। यहां पर इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान ज्यादा हुआ है। यहां पर इस बार 84.86% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार यहां पर 83.4% मतदान हुआ था। विश्लेषकों का कहना है कि यहां भाजपा की राह आसान लग रही है। बुधनी के बाद सबकी नजर पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा सीट पर है। यहां पर भाजपा ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। इस बार भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट जीतने का पूरा जोर लगाया। इस सीट पर भी बंपर वोटिंग हुई है। यहां पर 81.77% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार 79.61% मतदान हुआ था। कमलनाथ कह चुके हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ने का कोई आशय निकालना निरर्थक बात है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की राह यहां आसान नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर रोचक मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस से रविन्द्र तोमर और वीएसपी से बलबीर दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।